ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಿಕಡ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ತಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಆಪ್ಕೆ. ಸರ್, ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಸವಾಲ್ ಆಪ್ಕೋ ಹಮಾರೆ ದರ್ಶಕೋ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ತರಫ್ ಸೆ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಔರ್ ಯೇ ಜೋ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಜೋ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ जो सोशल वर्क कहा जाता है, वहां से आपको राजकीय में कब और कैसे प्रवेश किया, ये विस्तार से आप हमारे वीक्षकों को बताना चाहेंगे? बताएंगे सर. हम सब 2000 ईस्वी में सब मैं एक समाज सेवक करना बोल के उसके अंदर इंटरेस्ट हो गया जी. होने के बाद जब हमारे लोग बोले वार्ड के, तुम भी अब ग्राम पंचायत मेंबर बन जाओगे, तो मैंने ग्राम पंचायत इलेक्शन वोट किया. यानी कि आपका इरादा कोई ग्राम पंचायत मेंबर हो या तालुक पंचायत मेंबर हो करना नहीं था? करना नहीं था. जब लोग जबरदस्ती करे हमारी सेवा करो, हर आदमी तो काम करते सेवा करने के लिए, आप एक आ जाओ ग्राम पंचायत मेंबर बनो बोले, तो मैं मेंबर बनने के लिए तैयार हो गया. अलहमदुल्ला बोल के सामने आ गया सब. आने के बाद ग्राम पंचायत चुनाव हो गया, ग्राम पंचायत चुनाव में इलेक्ट हो गया, ग्राम पंचायत मेंबर बन गया. बनने के बाद अब समाज सेवा करने के 2000 ईस्वी में ही आप सबसे पहली मतलब सोशल वर्क यानी समाज सेवा के लिए आए थे, और वहीं से ग्राम पंचायत मेंबर इलेक्ट होने के बाद ही समाज सेवक में आ गया. स्टार्टिंग में जो बोलती है तो मैं ग्राम पंचायत इलेक्शन सामने था, तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में ठहर के इलेक्ट हो गया. होने के बाद जब इलेक्ट होने के बाद पूरा 5 साल आपको अवधि मिली, अवधि मिली मिलने के बाद 2000 से लेकर 2005 तक वही ग्राम पंचायत अवधि में काम करते रहे. यहाँ पे और एक सवाल पैदा होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2010 में भी आपने एक बार इलेक्टेड हुए थे, इस लेकिन ये 2005 और 10 के बीच का जो इलेक्शन था आपने बिल्कुल खड़ा ही नहीं किया, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे. मैं क्या इसका रीजन जान सकते हैं? मैं बोला सर, एक पीरियड होने के बाद हमारे लोग बोले हमारे कांसेस के, आप बार बार आप ही नहीं, दूसरे हमारे भाई लोग को चांस दो बोले, तो मैं बोला 5 साल आवाजित हो गए, दूसरे को चांस देने के लिए मैं नहीं ठहरा सर. 5 साल कैसे आप दोबारा क्यों 2010? और उसके बाद बोले वो जो हमारे पास ग्राम पंचायत मेंबर जो बने थे वो सही सहूलत नहीं करने से, सही वर्क नहीं करने से, तुम बोले वो काबिल नहीं, और फिर तुम्हें करो बोल के और मेरे को जबरदस्ती कर रहा. ऐसा हो गया तुम हर फिर जबरदस्ती. यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है कि आप ग्राम पंचायत में 2 मरतबा जीत चुके हैं, यानी 2000 में और 2010 के ईस्वी में आप पहली मरतबा, दूसरी मरतबा जब खड़े हुए थे ग्राम पंचायत इलेक्शन में, आपको बहुत अच्छे बहुमत से जीते भी हैं. लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह पैदा होता है, आप अचानक से तालुक पंचायती मेंबर कैसे बने, वो क्या रीजन कैसा था, आपको क्या इसे सोचा कि मैं तालुक पंचायत? अब ग्राम पंचायत इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ सर, तालुक पंचायत जिला पंचायत चुनाव शुरुआत होती है. शुरुआत होने के बाद हम बोले ग्राम पंचायत अब 2 बार इलेक्ट हो गई, पर तालुक पंचायत में आप लोग ठहरो बोल के हमारे दोस्त लोग, हमारे महिला वाले, हमारे क्षेत्र वाले पूरे बोलेगा भाई अच्छे, हमको एक सहूलत करने वाला आदमी होना जी, हमको जरा काम वर्क करे सर का आदमी होना, आप भी ठहरो बोल के हम लोग डिसाइड कर दिए. मैं बोला ग्राम पंचायत में हो तो क्यों, फिर तालुका पंचायत, अब तुम तालुका पंचायत कुछ ले जाओ ग्राम पंचायत, दूसरे को ठहरेंगे तुम आगे जाओ बोल के, तालुका को जो ग्राम से बोल के ग्राम पंचायत तालुका को, यानी सारा आपका क्षेत्र डेवलपमेंट करने के खातिर, खाली पूरा सारा क्षेत्र डेवलपमेंट करने, क्षेत्र डेवलपमेंट करने के लिए तालुका पंचायत में इन्वॉल्वमेंट किया. लेने के बाद जब चुनाव हो गया, मेरा जीत हो गया, तो मैं तालुका पंचायत को चले गया. अच्छा. ग्राम पंचायत लेने के बाद और एक गली के आदमी को दूसरे को जिता के ग्राम पंचायत का डायरेक्टर बना दिया गया. अच्छी बात है. अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने आपको ज्यादा बहुमत से जिताने के बाद ग्राम पंचायत इलेक्शन में जीतने के बावजूद आपको तालुक पंचायत में सजेशन दिया गया कि आपको इसमें छोड़ दें और सीधा तालुक पंचायत करें, पार्टिसिपेट करें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपने जीत हासिल की, बहुत खुशी की बात है. लोगों ने आपको लगातार 2 मरतबा और ये तालुक पंचायत का इलेक्शन मिला के 3 मरतबा एक सरकार आपके हाथ में दिया गया है, यानी कि आपके एरिया के लोग हो या आपके क्षेत्र के लोग हो, आपको ज्यादा बहुमत से जिता के आगे लाए हैं. अब इन लोगों के खातिर, इन लोगों के लिए, इन लोगों की सहूलत के लिए आपने जो इनसे कुछ वादा वगैरह जो किए हुए थे, ये कहाँ तक आपने काम सर अंजाम दिया, कितना क्या 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 काम आपने सर अंजाम दिया? जो जो वादे दिए थे सब, अब जो हर चीज, जो नाली बनाने की बात है, रोड बनाना है, पानी का सहूलत है, और सीमेंट रोड, सीमेंट रोड, नाली रोड, ये हमें बता सकते हैं कि सीमेंट रोड कितने हैं और कहां से कहां तक आप? बिल्कुल बता सकते हो जी, बताइएगा जितना हो सके आप हमारे दर्शकों को देख के बताएं,
ताकि आपकी बात वो सारी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपकी चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक हम लोग पहुंचाना है। यहाँ पे हमारे पास चार ब्लॉक है सब अलीगढ़ के अंदर, 7, 8, 9, 10। अच्छा, 8 ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक बहुत सीसी रोड के बहुत जरूरत थी, वहाँ पर नाली जाने के लिए रास्ता नहीं था टोटल। वहाँ पे मैंने क्या किया बोले तो एक रोड रखे बनाया, उसका रोड वाले का जिसका घर से स्टार्ट होता बोले तो रऊफ कोका के घर से खान साहब के घर तक बोल के एक रोड बना दिया, फर्स्ट एक हो गया। उसके बाद दूसरा बोलो तो और क्या करें, उसके बाजू साहब पानी के सड्रेन के वास्ते बहुत प्रॉब्लम था जी। वो इस्माइल साहेब के घर से और रऊफ की दुकान तक एक सड्रेन भी बनाया जमान पे। अच्छा, अच्छा, उसके बाद और आगे जाने के बाद और एक भारत गिरने भारत हिबारे हाउस टू हनीफ प्रेस हाउस बोल के बनाया था, उधर नाली बनाया रोड बनाया। उसके बाद और एक बोले नाली क्या कौन सा है, ओपन ड्राइंग ओपन सीसी वर्क सीसी ओपन ड्राइंग ओपन ड्राइंग जी, उसको बनाया गया। उसके बाद शेषी हाउस टू दरवान मकबूल सेट हाउस बोल के और एक सीटी ट्रेन बनाया सर। उसके बाद हाई स्कूल का कंपाउंड वॉल बनाया सर। उसके बाद बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग खराब हो गया था उसको रिपेयर कर दिया, यानी रास्तों के साथ साथ आप स्कूल्स वगैरह की भी मरम्मत किया सर। उसके बाद आंगनवाड़ी बनाया सर, हमारा बीएसएस के यहाँ से फैक्ट्री है। अच्छा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। ये आंगनवाड़ी कितने आपके क्षेत्र में है और कितने आपके पीरियड में शुरुआत हुए और कितने उसमें जो पहले चल रहे थे उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आप लाए? हमारे पास 11 आंगनवाड़ी सर टोटल हलीकेड़ बी 1, 2 दो क्षेत्र में लागे। 11 आंगनवाड़ी में 7 आंगनवाड़ी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से सर, 4 आंगनवाड़ी लीज पे लिए सर। जैसा फैक्ट्री में एक आंगनवाड़ी नहीं थी, वो आंगनवाड़ी नहीं रहने से एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर आंगनवाड़ी चला रहता हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे आंगनवाड़ी बंद हो, बोलते मैं एक दूसरा तरफ जाके फैक्ट्री स्कूल के ग्राउंड में एक जगह रख के वहाँ पे आंगनवाड़ी रख के बना के दे दिया सब उनको। अब आंगनवाड़ी सपोर्ट चल रहा है। और एक हमारे हलीकड़बी में एक आंगनवाड़ी पूरा वेस्ट हो गया था, उसको क्या करें डिमोलिश करके छत डाल के प्लास्टर वास्टर करके रिपेयर करके और एक आंगनवाड़ी हलीकड़बी में दे दिया सर। ये दो आंगनवाड़ी कर दी। तो आपके पीरियड में दो आंगनवाड़ी का आगाज हुआ, दो आंगनवाड़ी का आगाज हुआ। इससे पहले कितने आंगनवाड़ी थे? 8 7 आंगनवाड़ी 7 आंगनवाड़ी तो 9 आंगनवाड़ी होगा सर। अभी दो आंगनवाड़ी लिस्ट में सवार है, उसको भाड़ा देते किराए पे वो दो आंगनवाड़ी। जी जी जी, अभी अभी हमारा पीरियड एक शॉर्ट पीरियड है, उसके अंदर और एक आधा आया तो भी हम डाल के बना के देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो हुआ जनरल पब्लिक के लिए लोगों के लिए, आपने अपने क्षेत्र के रहने वाले किसान भाइयों के लिए क्या आपके तरफ से गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज हो या आपके तरफ से कोई भागदौड़ करके, क्योंकि आपकी जो पार्टी का मेन मकसद ही और आपका चिन्ह भी ऐसा है एक हरा उत्तीदा महिला के बोल के, यानी कि चारा की पिंडी उठाई हुई एक औरत है, आपके पार्टी का एक लोगो भी है जो जेडीएस में आप अभी प्रेजेंट मौजूद भी हैं, तो मेन मकसद ही आप लोगों का ग्राम पंचायत के रहने वाले या ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए खातिर बना रहे हैं स्कीम्स, इससे आपके जरिए कौन कौन से स्कीम उनके तक मुहैया हो? हमारे पास जो भी सब SCP और TSP बोल के स्कीम आता सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी सहूलत आते हैं हम SCP TSP फ्री के तक हर सहूलत जो भी हमारे तालुक आ गए तो हम ग्राम में ला के हमारे बिल्कुल हमारे कांसेस के अंदर डिवाइड करने लगा था सर। जी जी, उनको क्या क्या सहूलतें मिली? गोबर हो उनको, गोबर और खाद हो, खाद हो, बीज सब हो, सोया बीज हो, चने का बीज हो, और बोले तो गन्ने को मारने का जो खाद डालने का खाद हो, जो भी फ्री सबसे दवाइयाँ वगैरह पूरा हम लाके हमारे तालुक से हमारे ग्राम एग्रीकल्चर भाइयों के लिए हम दे देते हैं। बहुत सारे दिए स्कीम्स ऐसे कोई उनके लिए लागू किए हैं जो गरीब गुरबा है जो गवर्नमेंट से ऐसे स्कीम्स वगैरह के लिए उनके लिए सहूलत है? इसके अंदर क्या है सब हमारे पास एक SCP TSP स्कीम है सर जी, वो उसके अंदर हमारे पास तालुक का बजट आते हैं, वो बजट से हम जो भी हमको हम बजट सेपरेट लेके SCP TSP जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए एक परचेस करते हैं सब, जैसा गटर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गटर लेके वो गटर लाके देते हैं सब। हाँ हाँ, यानी उनको कनेक्शन कनेक्शन करके दे देते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि किसान भाइयों के लिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एक दर्जा दिया जाता है, उन लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग आज खाना पीना भी सिटी वाले भी करते हैं। बहुत खुशी हुई कि इस सब काम में आपने इन्वॉल्वमेंट लेके बहुत अच्छे तरीके से और ये सारे विस्तार से हमारे वीक्षकों को भी यानी दर्शकों को भी आप बताया जा रहे हैं बता रहे हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बावजूद मैं आपको जो कहने वाला था कि आपके यहाँ के जो क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरबा के बच्चे लोग हो, बच्चे हो या बच्चियाँ, इनके लिए स्कूल्स की कोई फैसिलिटीज या गवर्नमेंट से कोई इनके लिए सहूलत खाने पीने का हो या यूनिफॉर्म का हो या आप अपने खुद के पैसों से हो या गवर्नमेंट की कोई सहूलत से, ऐसा इन लोगों के लिए कुछ काम वगैरह किए? हाँ, तो ना गवर्नमेंट के लिए सब वो जैसा बीसी उठा है, ड्रेस है,
स्कॉलरशिप है और जो, जो, जो फल वगैरह जो फल अब जो भी गवर्नमेंट का सहूलत है बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल का हम जाके खुद ये कर खुद देख भी रहे हैं देख के गिरा के देखभाल वहाँ पे क्या चल रहा है खा रहा जैसा खा रहे उठाए खिला रहे हमको टाइम पे जाके बिल्कुल देख के बच्चों को दिला के तका दे सकते आज आपके जो क्षेत्र में रहने वाले सारे बच्चे आज स्कूल पे अलहमदुल्ला मौजूद होंगे अब सर 10 होंगे सब क्योंकि पहले के दौर में बहुत ये बाला कार्मिका जो करना में कहा जाता था ये हिंदी में भी बाला कार्मिका कहते थे कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल को भेजने के बजाय काम काज पे भेजा जाता था क्योंकि पढ़ाने की उतनी ताकत नहीं रहती थी माँ बाप की। आज हुकूमत से बहुत सारी फैसिलिटीज मुहैया है क्योंकि उनके यूनिफॉर्म से लेके बुक पेन पेंसिल से लेके खाना पीना तक फ्री उनको आने जाने के चार्जेस तक फ्री गवर्नमेंट से मुहैया किया जा रहा है। इसके बावजूद आपके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट क्या अवेयरनेस आपके पीरियड में आई? अब हमारे पीरियड में सब क्या हर एक जगह हम बोलते बच्चे को टोटल ले आके गवर्नमेंट स्कूल में डालिए जी। अब गवर्नमेंट स्कूल में जाके हम कंपलसरी विजिट करते रहते हैं 8 दिन को एक बार तो स्कूल को जाके विजिट करके इंस्पेक्शन करके उनके पेरेंट्स को बुला के मीटिंग लेके भी बोल देते हैं साहब हम ऐसा नहीं ऐसा एजुकेशन पहले पिछले में क्या है कुछ नेता सब बगर पड़ेगा कुछ नहीं कर कुछ भी कर सकते थे आज नहीं पढ़े वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता आज तो तालीम की बहुत सख्त जरूरत है बगैर तालीम के कुछ लड़की हो लड़का सब जी बिल्कुल सही बात वो चलो के प्राइवेट भी सोचता हमारे दोस्त लोग के सर वहाँ पे भी हम गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उनको दिलाती है हमारे बच्चों को फ्री एडमिशन कराते हैं वहाँ पे भी हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो बच्चे होते हैं जो लावारिस बच्चों के लिए फ्री योजना है उनके लिए भी योजना उनके लिए प्राइवेट एजुकेशन में भी हम एडमिशन करके उनका वो भी काम ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश का भविष्य अगर सुधारना है तो उन गरीब बच्चों के लिए तालीम होना बहुत जरूरी है भले वो लड़का हो या लड़कियां। बहुत अच्छी बात बताई वक्त कम रहने की वजह से मैं अगले सवाल की तरफ आपकी तरफ निकल रहा हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने जो बताया कि 2000 ईस्वी में आप पहली मरतबा ग्राम पंचायत इलेक्शन में जीते उसके बाद धीरे धीरे आप तालुक पंचायत के भी आप सदस्य बन चुके हैं जो एक मेंबर बन चुके हैं ये सब कामकाज के बारे में भी आपने तफसील से बताई। अच्छा आपके एरिया में पानी की जो किल्लतें थी पहले वाली जो मैं एक सवाल करना बीच में भूल गया था ताकि आपके एरिया वाले हमें बहुत सारे मैसेजेस दिया करते थे कि हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी अभी अचानक से वो बंद हो चुका हम लोग आके जहाँ पे देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह पर पानी तो बहुत अच्छी है सब हमारे पास मेरे तालुका पंचायत के अनुदान आपके बोर मारे दौर में कितने क्या क्या किए दो बोर मारे सब मैं दो बोर मार के पूरा सेंटेक्स बोल के टाकी सिस्टम बिठा सब बिठाने के बाद थोड़ा बहुत पाइपलाइन किए हैं और छोटे छोटे और एक दो मोटर ला के जो बोरिंग बंद था वो बोर को भी चालू कर दिया सब जी चालू करके जरा पानी का प्रॉब्लम था तो हमारे गांव से चालू कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद सब बोर मार के टैंक बना दिया हॉस्पिटल के बाजू हसनपुरा बोल दिया यानी आपके एक क्षेत्र में ये हलीखेड बी में आज हम लोग अगर समझना चाहे तो पानी के खिलाफ कम्प्लीट ही खत्म हो चुकी है 90% खत्म हो गया सर अभी 10% जो है सड़क गर्मा का मौसम सब बहुत सारे प्रॉब्लम रहने से 10% है अभी थोड़ा है अब उसको भी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह सुधार देंगे। अच्छी बात है आपने जो बताया 2000 ईस्वी में आपने ग्राम पंचायत से शुरुआत की आज अल्हम्दुलिल्लाह 2015 का तालुक पंचायत उनके बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद भी रखते हैं कि आप इसी तरह से डेवलपमेंट लाएं आपके एरियाज में और ज्यादा तरक्की करें आप जेपी मेंबर हो या एमएलए तक पोस्ट में जाएं ताकि आप जैसे अवेयरनेस या डेवलपमेंट लाने वालों लोगों की हमारे देश को बहुत जरूरत है और खासकर पढ़े लिखे लोगों की हमारे लिए पॉलिटिशियन में बहुत जरूरत है क्योंकि अक्सर पॉलिटिशियन में होता है कि पढ़े लिखे ना रहने की वजह से हमारे देश को एक लंगड़े लोले की तरह देखा जा रहा है। उसके बावजूद ये सब जानकारी आपको बिल्कुल पहले तो बिल्कुल नहीं थी नॉलेज नहीं थी आपको अब तो एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक पीयू आपने किया है आपने जो हमें बताया कि आपने सेकेंड ईयर पीयूसी खत्म करने के बाद अचानक से लोगों की देश की सेवा करना है लोगों की खिदमत करना है ये आपका विजन लेके शुरुआत किए थे लेकिन इसके बारे में आपको बिल्कुल पहले इतनी नॉलेज तो नहीं थी नहीं आपको इस सारे मामला में किस तरह से क्या काम करवाना है क्या कहाँ जाना है क्या क्या करना है ये सब सारी मालूम करने कराने के लिए आपके अपने सच्चे दिल से कोई आपकी जिंदगी में कोई उस्ताद है उस्ताद क्या सब हमारे पिताजी तो हमारे उस्ताद है सर सियासत उस्ताद है हमारे उसके बाद हमारे मिराजुद्दीन पटेल साहब माजी मिराजुद्दीन पटेल आपके पिताजी का नाम थोड़ा आपके उस्ताद का नाम बताना चाहिए शेरू जम्मा साहब जी शेरू जम्मा साहब वो क्या वो कोई पॉलिटिकल कैरियर में थे या थे सब थे वो भी ग्राम पंचायत मेंबर थे सर वो भी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत मेंबर रहने के बाद ही उनको यानी 15 साल उनके हाथ में भी प्रेम में बिताए यानी कि आप खानदानी आपके वालिद के दौर से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं
बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके वालिद को 15 साल का एक्सपीरियंस है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, दो मरतबा का, 10 साल से 12 साल का, 5 साल का तलबा, 10 से 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस आपको पॉलिटिकल कैरियर का हो गया। तो इनके बावजूद आपके उस्ताद एक मिराजुद्दीन पटेल साहब जो माजी मिनिस्टर थे, जो अभी मरहूम है, वो यहाँ पर हमारे यहाँ बीच मौजूद नहीं है, उन दो शख्सियत आपकी जिंदगी में उस्ताद बनके आपके बारे में, काम काज के बारे में आपको मालूम हासिल करा देते हैं। अच्छी बात है सर, बहुत खुशी हुई। वक्त कमरे नहीं की वजह से हमारी बातचीत को खत्म करने के लिए आखिरी सवाल मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। ये जो सवाल मैं आपको करने वाला हूँ सर, आपको ये सचमुच सवाल करते हुए भी हमें बहुत दर्द और तकलीफ और परेशानी होती है। मैं महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करने वाला हूँ। देखिए सर, आए दिन हमारे देश में भी महिलाओं पर अत्याचार, आक्रमण, दर्जन यानी ज्यादतियाँ, उनके ऊपर कहीं रेप वगैरह के ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। आपने भी टीवी माध्यमों के जरिए से देखा होगा, कहीं पेपरों में पढ़ा होगा, कहीं इंटरनेट में सुना होगा, ये सब आप रेडियो वगैरह में सुना होगा, इंटरनेट में देखा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आए हैं। ये हम जहाँ तक नॉलेज रखते थे, पहले बाहर के कंट्रीज में हो रहा करते थे, जैसा कि अमेरिका, रशिया, ये बीमारी अचानक हमारे हिंदुस्तान में अभी अभी रिसेंटली ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल से शुरू हो चुकी है। ऐसे तो हमारे देश में पहले बीमारी नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तकलीफें, जुल्म कम हो रहा करता था, कभी कभार हुआ हो जाता था। इसका असली मकसद क्या है, क्या रीजन क्या है ये आने की, ये बीमारी का हमारे देश में आने का, कहीं हुकूमत की ढील की वजह से है या कोई पुलिस की बंदोबस्त की वजह से है? सर, आपने सवाल करें, आपका शुक्रिया, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है सर। ये सवाल करने का रीजन मैं आपको बताऊँ सर, ये कि ऐसा है कि जो महिला का जो केस है सर, वो इसको पुलिस का कोई इसके अंदर कसूर नहीं रहता सर। अब जैसा कि अब सब कोई पुलिस स्टेशन में, मतलब ये पुलिस वालों को तो ये इन्फॉर्म नहीं होता कि यहाँ पे महिला का कोई लेडीज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस को पहले ही पता नहीं चलता। सबसे पहले कोई हादसा हो जाता है तो हादसे के बाद ही पहुंचेगी सर पुलिस, उसमें पुलिस का क्या कुछ होगा, उसके बाद सरकार की बात। सब सरकार चाहे कोई भी हो, सब कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, सरकार को ये महिला सी कोई ये सरकार तो ये नहीं बोलती कैसा गलत होते हर, तो फिर असली रीजन क्या है? क्या आपका बोलने का मतलब ये है कोई सरकार, भले वो बीजेपी हो या जेडीएस हो, कांग्रेस हो, कोई सरकार अपने पीरियड में, अपने दौर में ये लड़कियों पर ज्यादा त्याग करो बल्कि छोड़ कोई सरकार तो बोलती नहीं सब, और हर जने की माँ होती, बाप होती, भाई होती, तो इसके अब दूसरा कोई क्यों, ये जो रीजन क्या है, फिर आपका जो सोच क्या है इसके बारे में? इसके बारे में सब जो माता पिता होते सब, लड़का होंगे चाहे लड़की होंगे, इसको कंट्रोल में रखने के लिए माता पिता का ही काम, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन, माँ बाप, जी माँ बाप को छोड़ को दूसरा तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सब, इसको ना सरकार कर सकती ना पुलिस कर सकती। जैसा कि आप विस्तार से बता सकेंगे, जैसा कि अब हम हमारा कोई माता पिता, कोई बच्चा हमारा कहाँ गया, लड़का हो या लड़की, कहाँ गया, क्या नहीं, क्या किया, कब आया, कब गया, इसके लिए कंट्रोल रखने का काम माँ बाप को आता है, ना सरकार ना पुलिस वाले। पुलिस वाले बोले तो क्या, जब पूरा काम महिला जा रही, कहाँ जेंट्स जा रहे, कहाँ लेडीज जा रहे, नहीं देख सकते, हादसा होने के बाद पुलिस वाले। तो इसमें माँ बाप की कैसे रोक लगा सकते हैं? माँ बाप अपने माँ बाप अपनी औलाद को कंट्रोल में रखने का, जब कहाँ जा रहे, जैसा कि स्कूल को जाए, कॉलेज को जाने के बाद 10 बजे गए, 10 बजे जाने के बाद क्या टाइम स्कूल छूटे, वो टाइम को हमारा लड़का होते चाहे लड़की मकान को आई क्या नहीं आई, खूब लेट भी अगर होगा घंटा आधा घंटा, तो इसको क्या है जाके इंक्वायरी करना, कंट्रोल में रख लेना क्यों लेट हो गया क्या नहीं, ये माँ बाप का इसके अंदर 90% माँ बाप का ही। आपके बोलने का मतलब ये है वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे, चाहे वो लिबास की तरफ हो या आए दिन तो लिबास भी इतने गंदे गंदे नमूने के जो टीवियों में फिल्मों में दिखाया जाता है, जो सीरियल देख के भी, कई सीरियल कई फिल्मों में, कभी इंटरनेटों में, ये सब देख के हालत खराब हुई। इसके अंदर गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है सब, पुलिस वालों का भी कसूर है इसको। जी आपका बोलने का मतलब ये है आपका, मैं जो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि इसमें माँ बाप की ही मेन गलती आती है, क्योंकि माँ बाप की निगाह बच्चों पर सही से नहीं है। अगर कोई कॉलेज या स्कूल शुरू होती है 10 बजे तो 8 बजे जा रही है, तो उसको ये पूछा जाए कि आप क्यों इतना जल्दी जा रहे हैं, वही छूटने के बाद 1 बजे छूटता है तो 3 बजे घर को काम होता है, या स्कूल कॉलेज में भी वो जाके कोशिश करें, देखें देखें उसकी इंक्वायरी आ रही है, जा रही है,
ये क्या पहन रही है तो लिबास क्या तरीके लिबास क्या पहन रही है, अपने बदन को ढांकी या ना ढांकी, फोन पे दिलचस्पी से फोन को कंट्रोल किए फर्स्ट सबसे पहली बात ये जो बिगड़ रहे हैं खाली मोबाइल की वजह से अक्सर अक्सर हो खाली फोन से इसको कंट्रोल करने का काम रहता है। जहाँ तक हम लोग आजकल की फिल्में हो या गाने हो या टीवी सीरियल्स वगैरह जो भी आती हैं, जो फेसबुक का जो सोशल नेटवर्क मीडिया भी निकला हुआ है अभी अभी, उसके जरिए भी फाहिश तरीके के वीडियोस या अपने बदन को बगैर ढके हुए तस्वीरें वगैरह जिसमें दिखाया जाता है, उसकी वजह से भी ये फैशन बन गया। वो छोटे 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 कपड़े पहन के फिरना ये फैशन बन के चंद माँ बाप स्टाइल के तहत अपने बच्चों को भी दिला देते हैं। बच्चों को दिला नहीं, वो आज क्या की दिला देते हैं, लेकिन वो रास्ते पे जब जाते वक्त गंदी निगाह के लड़के तो बहुत सारे अच्छे अच्छों की नजर पड़ जाती है, उसमें से गंदे लोग तो रहते भी हैं। वो होने के बाद हादसा होता है उसको क्या हादसा अक्सर उस वजह से हो जाते हैं, इसको बनाते हैं क्या पॉलिटिशियन में लाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में लाते हैं, इनका दोनों का भी कोई कसूर नहीं रहता। बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छे अंदाज में बहुत मुख्तसर अंदाज में बहुत वक्त को जाया किए बगैर आप हमारे दर्शकों को वो क्या तरीके से आप लोग काम वगैरह किए थे उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया है। और उन वालिदैन के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन माता पिताओं के लिए भी आपकी तरफ से बहुत अच्छी नसीहत भी की गई है, और उनके बच्चों बहुत सारे माँ बाप को आपने बातों बातों में ये भी बता दिया कि उनके बच्चों को स्कूल को भेजा करें, लेकिन बड़े सेफ्टी से भेजा करें, जितना हो सके उनके ऊपर निगाहें वगैरह रखें। बहुत अच्छा आपने हमसे बातचीत की, वक्त की कमी रहने की वजह से हम अपनी बातचीत को यहीं पर रोक के हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे पॉलिटिशियंस इन इंडिया ऑनलाइन पब्लिशिंग मीडिया की तरफ से आपको धन्यवाद कहते हैं। वीक्षक रहता हूँ केलीगिरी ताजुद्दीन तालुक पंचायती हड़कड़ बी तालुक पंचायती मेंबर आद ताजुद्दीन अवर मातुगळन्नु ताव केळिद्रि इन्नष्टु इवर बग्गे माहितिगळन्नु ताव तिळियलु लॉग आन माडि www.politiciansinindia.com। जय हिंद, जय कर्नाटक।